ड्रम बस को कैसे मिक्स करते हैं मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो आपने बड़ा प्यार दिया था और आपने ये भी बोला था कि जो इंडिविजुअल ड्रम्स है वो किस तरीके से मिक्स किए जाते हैं, हम उसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा जो वीडियो है वो लंबा हो सकता है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। मैं हर एक चीज़ बताऊँगा जो ड्रम में जो भी चीज़ें आती हैं, किक, स्नेयर, और कैसे उनको साइड चेंज करके हम जो है इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, हम सारा डिस्कशन करेंगे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। चलिए हम डिस्कशन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ड्रम्स कुछ रख के देख लिए हैं, पहले हम इसको बिना मिक्स के सुन के देखते हैं। सारे लेवल्स बराबर आ रहे हैं। ये हमारा मिक्सर चैनल है जिसमें हमने इसको हर एक जो एलिमेंट्स है उसको अलग अलग ट्रैक में हमने डाल लिया है यहाँ पे। ठीक है जी, हमारे पास सारे ट्रैक जो है वो आ चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मास्टर जो चैनल है हमारा, यहाँ पे हम एक प्लगइन लेंगे वेव कैंडी, ताकि हमें लेवल्स जो है हाईलाइट होते रहें कि कितना लेवल आ रहा है। जब कभी भी हम मिक्सिंग करते हैं, जब मास्टर के लिए हमें थोड़ा सा हेड रूम चाहिए होता है, तो हम -10 dB तक ही मिक्स करते हैं उसको, मतलब कि उसके लेवल को -10 dB तक ही रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं, ताकि आगे जाके डिस्टॉर्शन ना पैदा हो। तो पहले हम सारे लेवल सेट करेंगे, फिर थोड़ा सा उसको मिक्स करके देखेंगे। तो पहले हम किक का लेवल सेट करेंगे कितना आ रहा है। ठीक है जी, तो मैंने -10 dB किक जो किक है उसका लेवल सेट कर लिया है। सबसे पहला काम हम एक जो है हमारी किक उसको हम EQ करेंगे। तो मैं फैब फिल्टर प्रो यूज़ करता हूँ, इसको हम बड़ा कर लेंगे। 12 dB को हम कर देंगे 30 dB, तो हम देखेंगे इसमें कितना लो एंड जो आ रहा है काटने वाला है उसको हम काटेंगे सुन के सोलो करके। तो 20 dB तक, 20 Hz तक हमारे पास यहाँ पे जगह जो है बच रही है, यहाँ पे कोई भी चीज़ हमें सुन नहीं रही है किक के अंदर, तो हम उसको काट देंगे। यहाँ पे हाई एंड में भी हम सुन के देखते हैं कि कितना हमें जो है किक पे हाई एंड रखने हैं। इतना ध्यान रखें कि जो किक है, किक की बॉडी पूरी ना आप काट दें। यहाँ पे थोड़ी सी बॉडी यहाँ पे रखें, जहाँ पे आपको ज़्यादा मोटी आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी किक की, मतलब कि थोड़ी सी बॉडी के अंदर आप एंटर हो जाएंगे, वहाँ तक आप काट सकते हैं। ये जो पार्ट है आप हाई एंड के लिए रख सकते हैं, तो पूरी उसकी बॉडी ना काटें, थोड़ा सा ही काटें। तो इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है जी, जो हमारी किक है वो मोनो में रहती है, तो सेंटर में होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको राइट में यहाँ पे घुमा देंगे इस वाले नॉब को, तो ये पूरा इसको मोनो में कर देगी। हमारी किक मोनो में हो चुकी है। तो किक का कंप्रेस होना ज़रूरी है, थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा ना आए, तो उसके लिए हम जो है थर्ड पार्टी VST प्लगइन यूज़ करेंगे जो कि वेव्स की है। तो उसमें हम आर कंप्रेशन जो है वो यूज़ करेंगे, आर कंप्रेशन स्टीरियो। तो हमने पहले ही नॉब को मोनो में कर दिया है, तो स्टीरियो प्लगइन यूज़ कर आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप इसमें थोड़ा सा पंची में जाएंगे या बाउंसी में जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा ही आप यहाँ पे कंप्रेस करेंगे। तो इतना काफ़ी रहेगा। थोड़ा सा हम इसको जो है किक है हमारी, थोड़ा सा इसको हम बूस्ट करेंगे, देखते हैं इसमें हम पंचीनेस कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मैं जो है प्लगइन यूज़ करता हूँ, डायब्लो यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा प्लगइन है। इसमें हम पंच भी ऐड कर सकते हैं, बूस्ट भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप आउटपुट का भी ध्यान रख सकते हैं कि आपकी आउटपुट ज़्यादा तो नहीं हो रही है। सैचुरेशन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इतना काफ़ी रहेगा।
एक यहाँ पे आप प्लगइन लेके रख लें जिसमें आपको दिख जाए, जैसे मैंने सिंपल फ्रूटी पैरामेटिक ले रखा है, तो कौन सी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा आ रही है। सो 63 से लेके 136 तक जो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा इसमें हाईलाइट हो रही है, ठीक है जी। इसका हम आगे जाके ध्यान रखेंगे बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। तो ये हमारी किक हो चुकी है, ये हमारी स्नेर आ जाएगी। सबसे पहले हम इसको ईक्यू करेंगे, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट प्लगइन लेते हैं उसको हमने ईक्यू करना होता है सबसे पहले। तो यहां तक इसकी बॉडी आ रही है, हायर में चेक करते हैं कितना हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, जितना काफ़ी रहेगा। ये बिल्कुल शार्प साउंड कर रही है, काफ़ी ज़्यादा इसमें डायनेमिक रेंज जो है शार्प निकल के आ रही है। तो सबसे पहले हम इसको जो है कंप्रेशन यूज़ करेंगे यहाँ पे, हम मैं CLA-2 यहाँ पे यूज़ करूँगा और देखूँगा कि इसको हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं। GR पे क्लिक करेंगे तो आपका कंप्रेशन जो है पे एक्टिव हो जाएगा। तो देखते हैं कि कितना इसको हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, बेसिकली 2 to 3 dB तक ही आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं। दोनों में इतना फर्क पड़ जाएगा कि आपका जो पहले सीधा आके कानों में हिट कर रही थी वैसे हिट नहीं करेगी, थोड़ा सा आराम से आएगी। तो यही कंप्रेशन का काम रहता है। जो भी हम स्नेयर रखते हैं तो स्नेयर के हम इस तरीके से मिक्सिंग करते हैं कि वो थोड़ा सा साइड में ही रहे, बीच में किसी भी इंस्ट्रूमेंट को दिक्कत ना करे। तो मैं इसको 30% तक पैन कर दूंगा राइट में या लेफ्ट में, आप कर सकते हैं अगर आपके पास दो स्नेयर्स हैं तो। हम इसको मिक्स करेंगे और इसका हम जो लेवल है बिल्कुल किक के पीछे रखेंगे, यानी कि थोड़ा सा कम रखेंगे किक से। जो किक का हाई एंड है उसको मैं थोड़ा सा शार्प करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं SSL यूज़ करूँगा यहाँ पे। SSL क्यों आप यूज़ करेंगे यहाँ पे, ताकि जो किक जो स्नेर है आपकी उसका थोड़ा सा जो हाई एंड है अच्छे से आ पाए आपके पास। तो स्नेर का आपको लो एंड नहीं चाहिए, तो आप इसको डाउन करेंगे और सुनते सुनते ही आप इसको बूस्ट करेंगे। दोनों में काफी फर्क पड़ा है। जो हमारा तीसरा एलिमेंट है स्नैप का, उसको हम देखते हैं। तो सिर्फ इसी वाले हिस्से में स्नैप आ रही है, 2936 Hz की इसकी फ्रिक्वेंसी है। तो बाकी सारे जो फालतू की फ्रिक्वेंसी है उसको हम हाइड कर देंगे या फिर यहाँ पे काट देंगे। ये भी कानों में सीधी आके लग रही है, तो इसको हम इस तरीके से जो है मिक्स करेंगे कि बाकी चीज़ों को दिक्कत ना हो। तो मैं इसके लिए BBC FG Grey यूज़ करूँगा, ये भी कंप्रेशर है। और हम इसको जो है 2 या 3 रेशो तक इसको कंप्रेस करेंगे, और इसका जो अटैक है वो फास्ट ही रखेंगे, फास्ट अटैक ही चल रही है, और जो रिलीज है थोड़ा सा स्लो रखेंगे। फ़र्क चेक करिए कितना प्यार से आ रही है, कानों में बिल्कुल हिट नहीं कर रही है, यही कंप्रेशर का काम है। इसके साथ हम पहले देखेंगे कैसे हिट करती थी, और उसके बाद देखेंगे। कितना फ़र्क पड़ा है दोनों में आप देख सकते हैं। स्नैप की मैं स्टीरियो शेपिंग करूंगा, मुझे स्नैप जो है वो दोनों साइड पे स्टीरियो में चाहिए, तो मैं नहीं चाहता कि एक साइड से ही इसकी आवाज़ आए। तो मैं इसको स्टीरियोराइज़ में करूँगा क्लिक, यहाँ पे फ्रूटी स्टीरियो शेपर लेके इसका प्रीसेट यूज़ करूँगा यहाँ पे स्टीरियोराइज़। इसको हम यहाँ पे मिक्स करके देखते हैं। सारे वॉल्यूम्स 9 dB के अंडर ही आ रहे हैं, तो हमारा मिक्स अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है।
नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, तो जो प्रकर्शन के एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे ये प्रकर्शन के एलिमेंट्स हैं, तो उसको ट्राई करें कि एक साइड ही पैन रखें ताकि वो जो बाकी चीज़ों को तंग ना करें। तो हम यहाँ पे फ्रूटी इक्यू ही लेंगे और देखते हैं कि इसका इक्यू किस तरीके से हम काट सकते हैं। अब ये जो प्रकर्शन का एलिमेंट है, ये आगे जाके मैंने हाई एंड्स को या फिर हाई एंड्स को वोकल के उसको ख़राब कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा डाउन रखूँ यहाँ पे, ताकि मेरे हाई एंड्स ख़राब ना हो। तो मैं -2 या 3 dB इसको डाउन कर दूंगा, क्योंकि ये प्रकर्शन का ही पार्ट है, तो ये उसके बीच में आ सकता है। थोड़ा सा स्मूथ हिट हो रहा है यहाँ पे। तो प्रकर्शन के लिए मैं द ग्लू कंप्रेशर यूज़ करता हूँ, जो कि बड़ा ही स्मूथ कंप्रेशर है और बड़े अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है जी, इससे इसके वॉल्यूम को थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, तो इसको मेकअप गेम में थोड़ा सा 2 dB तक बढ़ा देंगे, ताकि इसका वॉल्यूम वहीं पे आ जाए। और मैं इसको लेफ्ट में पेन कर दूंगा बैलेंसिंग के लिए, 35 तक या 30-40 तक कर देते हैं। चलो सुन के देखते हैं। एक बैलेंसिंग साउंड आ रहा होगा आपको, हर एक चीज़ अपनी जगह पे मैं आपको मिल रही होगी, तो यही मिक्सिंग का पार्ट है। तो हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम जल्दी जल्दी से इसको निपटाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे हाई हैट्स, ठीक है जी, 9 नंबर में है। तो हाई हैट्स जो हमारे डिस्टोर्शन का काम करते हैं हाई एंड में, तो इसको हम थोड़ा सा बूस्ट ही रखेंगे यहाँ पे, ताकि हमारा जो हाई पार्ट है वो अच्छे से निखर के आए, जो गाने की खासियत होती है। ठीक है जी, तो इसको हम बूस्ट ही रखेंगे। थोड़ा सा इसमें हम चार्म ऐड करेंगे कंप्रेशर के थ्रू, ठीक है जी, थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक। और मैं चाहता हूँ कि ये भी थोड़ा सा हमारे स्टूडियो में इधर उधर से साउंड करे, तो प्रीसेट में स्टीरियोराइज ही यूज़ करूँगा, पर उसमें 2 नंबर या 3 नंबर को यूज़ कर लूँगा, ठीक है। और इसको भी आप अमाउंट को कम कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छी सेटिंग लग रही है इसकी। और इसको चला के देखते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, बहुत सिंपल सी चीज़ रहती है, आप खुद ही कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, ये ऐड करें, वो ऐड करें, ये ऐड करें। तो जितना सिंपल रखेंगे, अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है कोई इंस्ट्रूमेंट है, जो कोई प्लकिंग है आपका, बहुत ही हार्ड साउंड करा तो उसमें आपको दिक्कत आएगी, नहीं तो ये चीज़ें बहुत सिंपल रहती है, इसको कॉम्प्लेक्स ना किया करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए मिक्सिंग मास्टरिंग का पूरा जो है वीडियो बनाऊं, कि कैसे गाने को शुरू से लेकर मिक्स कर सकते हैं, कैसे उसको मास्टर कर सकते हैं, तो कमेंट ज़रूर करके बताएं मिक्सिंग मास्टरिंग वीडियो, इतना कमेंट कर दें, मैं समझ जाऊंगा, फिर उसके बाद हम इसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाएंगे। सिंबल है, सिंबल भी एक डिस्टॉर्शन का काम करता है, तो सिंबल को ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहिए, सिर्फ इसके इक्यू को छेड़ेंगे हम, ठीक है जी। तो सिंबल खुद ही डिस्टोर्शन का काम करता है, तो इसको ज़्यादा क्यों छेड़ना, क्योंकि हमने ऐड ही डिस्टोर्शन के लिए किया। बस इतना ध्यान रखें कि जब आप इसको इक्यू करेंगे, तो जो जहाँ पे ये ज़्यादा साउंड दे रहा है उस पूरे हिस्से को आप थोड़ा सा कम कर देंगे, ताकि बाकी जगह पे वहाँ पे ये इफेक्ट ना दे दे। तो मैंने यहाँ पे एक खड्डा कर दिया है, ताकि जब ये हिट करे तो मेरी वोकल को या मेरे हाई पार्ट को यहाँ पे खराश या फिर ख़राब ना कर दे, ठीक है। जब इसने जगह बना दी, अब यहाँ पे वोकल ऊपर आ जाएगी यहाँ तक, तो बड़े आराम से जगह मिलगी उसको। इसको आप कंप्रेस करने को कर सकते हैं, लेकिन लेकिन जो है ये डायनेमिक रेंज में काफ़ी अच्छा रहता है, तो क्योंकि डिस्टोर्शन का काम करता है, तो मेरे हिसाब से जो सिंबल्स है उसको कंप्रेस नहीं करना चाहिए। और वॉल्यूम भी इसके लो रखेंगे आप, कितना सिंपल है ना मिक्स करना, मतलब आपने खुद ही कॉम्प्लेक्स कर रखा है चीज़ों को, चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं होती, हम खुद कर देते हैं। अब ये जैसे मैंने क्लैप यहाँ पे गलत चूज़ कर लिया, ठीक है, इतना भी आप ध्यान रखें कि क्लैप आपके डिस्टोर्शन में ना आए। अब ये क्लैप जो है डिस्टोर्ट कर रही है, इसको हम थोड़ा सा मसला इसका हल करेंगे। मैंने खुद यहाँ पे डिस्टोर्शन यूज़ की है क्लैप में, ताकि आपको मैं समझा पाऊँगा कि अगर आपके पास कोई रास्ता ना हो, आपके पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आ जाए, तो उसको आपने कैसे क्लियर करना है। अब थोड़ी सी डिस्टोर्शन आ रही है, आपको सुनने पता लग रहा होगा, पहले हम इसका इक्यू करेंगे, ठीक है।
पहले तो हम EQ में ही इसके हाई एंड को थोड़ा सा काटेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं एक चीज़ यूज़ करूँगा, यहाँ पे AOCs करके प्लगइन है, ये आपका जो है डीएसिंग करता है एक हिसाब से, तो इसके हम प्रीसेट्स यूज़ कर सकते हैं। मैं ओवरहेड्स यूज़ करूँगा यहाँ पे, तो ये जो है इस तरीके से जो हाई पार्ट है उसको यहाँ पे कंप्रेस कर रहा है। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ डिस्टोर्शन इसमें आ रही है तो हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे TDR का भी यूज़ कर सकते हैं, नोवा का, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे डिस्टोर्शन को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, मैं लिंक यूज़ करूँगा। ठीक है जी, इसके बाद हम जो है इसको यहाँ पे स्टीरियो शेपिंग करेंगे, तो आप क्लैब को पीछे रख सकते हैं स्टीरियो शेपिंग में, तो पीछे रखने के लिए ऑल्ट टू या फिर फेसर टू यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा और अच्छा फील देने के लिए आप रिवर्ब यूज़ कर सकते हैं। पहले चेक करें कितना डिस्टॉर्शन था मिक्स होने के बाद। ठीक है जी, थोड़ा सा साइड में भी चला गया, पीछे भी चला गया, तो इसको मिक्स करते हैं। बहुत ही बढ़िया। जो हमारा लास्ट पार्ट बचा है ड्रम मिक्स करने का, उसमें हम क्या करेंगे, बेस को मिक्स करेंगे। तो पहले हम बेस को देख लेते हैं और किक को देख लेते हैं कहाँ पे आ रहे दोनों। पहले आप बेस को EQ करेंगे, उसके लिए फेयर फिल्टर यूज़ करूँगा मैं और देखूँगा कि कहाँ तक हम इसको काट सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे 30 dB की जगह मिल गई है, 30 Hz की जगह मिल गई है, तो इतनी जगह हमारे किक के लिए काफ़ी रहेगी। और यहाँ पे भी जो हम हाई एंड में देखते हैं बेस हम कितना काट सकते हैं, तो यहाँ पे भी 1800 Hz के बारे में काफ़ी जगह मिल गई है हाई एंड के लिए। अब इसमें मुझे थोड़ा सा मडीनेस लग रही है इस वाले पार्ट पे, तो मैं थोड़ा सा इसको डाउन करूँगा डीएसिंग के लिए। थोड़ा सा पहले से ये बेटर लग रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा इसको हम साइड चेंज करेंगे। जो हमारा किक है, मैं चाहता हूँ जैसे ही किक बजे तो जो है इसका बेस का वॉल्यूम कम हो, तो किक पे हम क्लिक करेंगे, इसको हम साइड चेंज करेंगे यहाँ पे 808, यहाँ की मेरे हमारे जो है बेस के साथ, तो साइड चेंज टू दिस ट्रैक करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे आप आ जाएंगे। इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे एक प्लगइन लेंगे मल्टी बैंड जो कि आपका रहेगा कंप्रेसर, तो उसके लिए हम प्लगइन यहाँ पे ढूंढते हैं प्रो MV। ठीक है जी, ये फेयर फिल्टर का ही है, तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा बेस, जहाँ पे मेरा किक का ज़्यादा साउंड आ रहा है, जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हमारा बेस कम हो, तो हम वहाँ पे इसको करेंगे। तो किक देखते हैं कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। तो 136 के अराउंड राउंड मेरा किक जो है ज़्यादा साउंड कर रहा है, तो हम यहाँ पे 136 के आसपास ही इसको लगाएंगे, ताकि 136 के आसपास की जो बेस की फ्रिक्वेंसी है वो डाउन हो जाए। ये हमने लगा दिया है यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको एक्टिव करेंगे। एक्टिव कैसे करेंगे, यहाँ पे आप सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, फिर आप उसके बाद प्रोसेसिंग पे आ जाएंगे। यहाँ पे स्टीरियो साइड चेन पे आप जाके किक को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से वापस आ जाएंगे यहाँ पे, आ जाएंगे यहाँ पे, आके आप एक्सपोर्ट पे जाएंगे, एक्सपर्ट पे जाएंगे सॉरी,
यहाँ पे एक्सटर्नल पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे किक बजेगी तो उसी टाइम ये जो है नीचे को साउंड करेगा। कितनी क्लियरिटी आ गई है, जैसे ही किक प्ले हो रही है उसी टाइम पे बेस कम हो रहा है, तो इसका आप अटैक रेस अपने हिसाब से एडजस्टमेंट के हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। तो इस टाइम मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है, अटैक भी ठीक है, रिलीज भी ठीक है, दोनों फास्ट ही चाहिए ताकि बिल्कुल ज़्यादा होल्ड ना कर दे, ताकि हमारे बेस का फील भी ना खराब हो, हमारे किक का फील भी ना खराब हो। तो अटैक भी हम फास्ट रखेंगे, रिलीज भी फास्ट रखेंगे। अभी मेरे हिसाब से इसकी जो रेंज है वो भी ठीक है, -3 to -5 के बीच में रहनी चाहिए, तो बिल्कुल परफेक्ट साउंड कर रहे हैं मेरे हिसाब से। इसकी आप क्लैरिटी और लेके बेस का जो है लेवल वो ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है, जैसे हम इक्यू खोलेंगे यहाँ पे देखेंगे कि बेस यहाँ ज़्यादा कहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तो 60 हर्ट्स यहाँ पे इसको 60 हर्ट्स को बूस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, 2 dB के आसपास इसको बूस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। और 60 हर्ट्स को हम उधर से किक से भी जो है कम करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है हमारा बेस के लिए जगह बन पाए। तो इस तरीके से आप और क्लैरिटी लेके आ सकते हैं। ठीक है, जब बेस को हम किस तरीके से करेंगे मिक्स, किक के साथ इसका लेवल रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बेस में थोड़ा सा स्टीरियो पर फील रखें तो आप इसको बिल्कुल मोनो ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेस और किक दोनों मोनो रहे तो आप इसको भी मोनो कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो जो मैंने पहले सुनाया था, जो आपको बाद में सुनाया, तो दोनों में कितना फर्क है। ऐसे ही इसी तरीके से सिंपल तरीके से ही जो हम ड्रम्स को मिक्स करते हैं इंडिविजुअली। तो यही सब तरीके रहते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रहता है। कुछ भी आपको अगर और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और मुझे स्पॉटिफाई पे फॉलो ज़रूर करें, वहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रैफिक लेके आएँ। और बाकी इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, मैं वहाँ पर कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।